नमस्कार, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ मेघा भाटिया। सर्दी से हर कोई इंसान जूझ रहा है, वहीं मैं अगर लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख में इस टाइम -32 से ज्यादा का टेम्परेचर है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जो ठंड दिसंबर की एंड में या जनवरी की शुरुआत में होती थी, वो ठंड इस बार बहुत पहले आ गई है। नवंबर की ही शुरुआत में यहाँ सर्दी कह डाल रही है। जी हाँ, यहाँ के लोकल जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है ठंड की वजह से, क्योंकि रास्ते जो हैं ब्लॉक हो गए हैं, पानी रास्तों में भर गया है। यहाँ पे लोगों को, जो लोकल लोग हैं, उनको एसेंशियल कम्युनिटीज की बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जो खाना है उनका जम जाता है, अगर वो सुबह कोई चीज लेके आते हैं तो एक घंटे बाद ही वो पानी है, अगर पानी को ही ले ले, पानी जो है बर्फ बन जाता है, जूस है वो बर्फ बन जाता है, दही है तो वो भी बर्फ बन जाती है। ऐसे में उनको और भी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो नमक है, प्याज हो, तेल हो या फिर दूध हो, ऐसी सारी चीजों से यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काफी जूझ रहे हैं। बच्चों को भी ठंड में बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है और ठंड का जो आलम है वो कम ही नहीं होने को आ रहा, उल्टा बढ़ता जा रहा है। जितना भी टेम्परेचर है वो माइनस में होता जा रहा है। अगर हम रास्तों की बात करें तो रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं। हर तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, दूर दूर तक बर्फ नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं आ रहा। लोग जगह जगह पर आग जलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, थोड़ी सी ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में इकोनॉमी की भी काफ़ी कमी नज़र आ रही है, क्योंकि जो कॉमोडिटीज़ हैं, एसेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं, वो बहुत कम है। मैंने आपको बताया यहाँ के लोगों को और भी ऐसी बहुत सारी ठंड की वजह से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, जिससे उनका कहीं भी आने जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है। अगर उनको कहीं भी जाना है, क्योंकि पानी इतना रोड्स पे जाम है कि वो कहीं भी आ या जा नहीं पा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बात करें ज़्यादा, अगर ठंड हो जाती है या बर्फ़ पड़ जाती है तो लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे लोगों को ऐसी भी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। लोग घर से बाहर निकलना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। अगर छोटी से छोटी चीज़ भी चाहिए तो वो सोचते हैं कि रहने ही देते हैं, कि नहीं जाते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता है। और शाम को इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है कि लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं। दिन में फिर भी लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन रात को यहाँ के जो लोकल लोग हैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं। अब देखना ये होगा कि ये ठंड आगे और कितनी तक जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ दिसंबर का एंड है, यानी कि जनवरी की शुरुआत है। ये जनवरी से लेकर अंत जनवरी के एंड तक कितना और टेम्परेचर गिरता है ये देखना जरूरी होगा। बाकी की सारी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट पाएं हमारे नई वीडियो।